नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल मेडिसिन पेज। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे पारो वायरस इन्फेक्शन कहते हैं, इसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कहते हैं इन डॉग्स। अगर आपके डॉग को पारो वायरस इन्फेक्शन हुआ है या गैस्ट्रो इन्फेक्शन हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए, देखते रहे हमारे साथ लास्ट तक। दोस्तों आप देख रहे हैं चैनल डॉक्टर राहुल मेडिसिन पेज। अगर आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखें। सो गैस्ट्रोवायरस इन्फेक्शन जब भी आपके डॉग को या फिर पपी को सेट होता है तो आपको इमीडिएटली इसको आपके वेटरनरी डॉक्टर के पास को रश करके लेके जाना है। आप घर में इसे ट्रीटमेंट करने के लिए बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। आपको यहाँ पर बिल्कुल ही टाइम इसमें नहीं लगवानी है, क्योंकि ये बहुत ही फेटल होता है। स्पेशली 2 months to 6 months बच्चे जो होते हैं इसमें डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। सो आपको सबसे पहले आपको जो भी डॉग है आपको आप नियरेस्ट वेट के पास ले जाइए, उसका ट्रीटमेंट चालू कीजिए। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसिडेंस कहाँ कहाँ होते हैं। सो एनी एज ऑफ डॉग कैन बी इन्फेक्टेड विद पारावायरस इन्फेक्शन। कोई भी एज में पारावायरस इन्फेक्शन हो सकता है। स्पेशली जो डॉग 2 months to 6 months के होते हैं इसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत सीधे तरीके से लगता है। और सेकेंड थिंग, जो डॉग होते हैं रॉटविलर्स और डॉबरमैन स्पेंसर्स, ये जो ब्रीड है ये इस वायरस के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव है, इनमें फेटलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है। इसके लाइफ साइकिल किस तरह होती है। सो आपको डॉग को जो इन्फेक्शन आया है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, क्या अगर हमको पता करना है तो जनरल इसमें 2 types के इन्फेक्शन होते हैं। पहला जो होता है वो होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और सेकंड जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सो अगर आप डॉग को पार्क में लेके जा रहे हो या फिर आपके नजदीक कोई डॉग है इसके साथ आपका डॉग इंटरमिंगल होता है तो डायरेक्ट भी इन्फेक्शन होता है। और सेकंड चीज होती है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर परवो वायरस का इन्फेक्टेड कोई भी डॉग है, अगर वो कहीं पोटी करता है या फिर वो ओमिटस करता है और आपका डॉग जाके वहाँ का स्निफिंग करता है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आपको डॉग को वो इन्फेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा। सो जब भी आपको डॉग को भी इन्फेक्शन होता है तो आपको डॉग को घर पे ही रेस्ट्रिक्ट करवा देना। सेकेंडली इसमें 2 forms होते हैं पारो वायरस के। इसमें 2 forms में फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो होता है इंटेस्टाइनल फॉर्म, जिसमें सीवियर ओमिशन होता है और ब्लडी डायरिया होता है। सेकेंड टीम होता है जो काफी डेडली है वो है कार्डियक फॉर्म। तो कार्डियक फॉर्म में यहाँ पर एनिमल्स का जो होता है डॉग का यहाँ पर हार्ट अरेस्ट होता है और इमीडिएटली डेथ हो जाती है। डॉग को प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ से आता है। सबसे पहली चीज, जो मदर से जो मिल्किंग होती है उसमें इम्यूनोग्लोबिन रहते हैं, तो बच्चों को प्रोटेक्शन जो होता है ये नियर अबाउट से लेकर 4 days तक आपको यहाँ पर बच्चों को इसमें प्रोटेक्शन मिलता है। सेकेंडली वैक्सीन जो होता है 4 days पे हमको फर्स्ट वैक्सीन डलवानी है, सेकेंड वैक्सीन 21 days के बाद हमें यहाँ पर बूस्टर करवानी है, जिसमें से बच्चों को 1 day तक प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके सिम्टोम क्या क्या होते हैं। जो भी डॉग है उसमें फीवर रहेगा, लिथार्जिक रहेगा, काफी डिप्रेस रहेगा। सेकेंड थिंग, इसमें ओमिशन डॉग में बहुत ज्यादा होती है। इसमें डायरिया, डॉग को प्रोफिस डायरिया होता है और डायरिया में से जो रेड कलर टिंच निकलेंगी या फिर रेड डायरिया जो निकलता है उसमें काफी फाउल स्मेल होती है, तो इट इज इंडिकेशन ऑफ पारो वायरस इन्फेक्शन। सो इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या देते हैं। तो ट्रीटमेंट जो भी होती है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, एज अ वायरल इन्फेक्शन इस पे परफेक्ट क्योर तो नहीं है, लेकिन एज पर द डॉग सिम्टम हम यहाँ पर अभी डॉग को ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज होती है जो पायरेक्स होती है, अगर डॉग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम इसे डॉग का टेम्परेचर कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। उसके बाद अगर ओमिशन ज्यादा हो रही है तो एंटीमेटिक ड्रग हम इसमें डॉग को देते हैं। डायरिया अगर ज्यादा है तो एंटी डायरियल ड्रग्स यहाँ पर देनी पड़ती है। और बॉडी में डिहाइड्रेशन इसमें बहुत ज्यादा होने की वजह से हमको डॉग को कंटिन्यूस ड्रिप लगवानी पड़ती है। सो जब आप डॉक्टर के पास लेकर जाते हो तो लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि उसको ड्रिप कितने दिन लगवानी है। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम हमें यहाँ पर डॉग को उसमें ड्रिप लगवानी पड़ती है, ताकि डिहाइड्रेशन और जो भी मेडिकेशन है वहाँ पर कंटिन्यूस डॉग को हो। हमें डॉग को यहाँ पर 7 days सर्वाइव पूरी तरह से करवानी है और उसमें डॉग की इम्यूनिटी भी कंटिन्यू रखनी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि डॉग को आपको यहाँ पर कभी भी कुछ भी खिलाना नहीं है। जब तक आपके डॉग की टोटल ट्रीटमेंट चल रही है आपको इसको टोटली ऑफ फीडिंग रखना है, उसको पानी तक भी आपको नहीं पिलाना है। अगर आप पानी पिलाओगे तो मे बी चांसेस है डॉग को, आपको यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि डॉग को इन्फेक्शन और बढ़े। सो फ्रेंड्स, आपकी डॉग की ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास पूरी होने के बाद आपको उसके बाद क्या क्या करवाना है। आपके डॉग के लिए डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन दी है पर ओवरऑल आपको कंटिन्यू करवानी है, स्पेशली एंटीबायोटिक जो दी है तो आपको कंटिन्यू करवानी है। सेकंड थिंग, डॉग को जो भी डाइट देना है, डाइट जो है हाईली न्यूट्रिशियस और थोड़ा थोड़ा स्टेपल अमाउंट में ही हमको देना है, बहुत ज़्यादा डाइट नहीं देना है। जैसे सैलक हो गया ऐसे स्टार्ट कीजिए या फिर कर्ड राइस जो है वो स्टार्ट कीजिए। और डॉग फूड यहाँ पर अवॉइड कीजिए, यहाँ पर आपको मिल्क अवॉइड करना है, नॉनवेज अवॉइड पूरी तरह से करना है, चिकन मटन और डॉग की जो ग्रेवीज होती है आपको टोटली यहाँ पर पूरी तरह से अवॉइड करवानी है। और डॉग की एक्टिविटी जो है रेस्ट्रिक्ट कीजिए, उसे ज़्यादा घूमना फिरना उसके लिए अवॉइड कीजिए।
आपके घर में अगर पारा वायरस इन्फेक्शन है और उसकी वजह से अगर किसी डॉग की डेथ हो जाती है तो आपको 3 to 6 months घर में कोई भी नया पपी इंट्रोड्यूस आपको नहीं करवाना है, क्योंकि वायरस का शेडिंग ऑलरेडी रहता है। सो न्यू बॉर्न जो पपी आप ला रहे हो उसको होने के चांसेस में बहुत ज्यादा हो। सो इसमें प्रेगनेंसी जो होता है, प्रेगनेंसी डॉग बचेगा कि नहीं बचेगा ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो छोटे पपी जो होते हैं उसमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा लगता है। अगर पपीज की इम्यूनिटी ठीक तरह से नहीं है या फिर प्रॉपरली डॉक्टर से ट्रीटमेंट्स अगर उसको नहीं करवाते हैं तो इसमें पपी के फेटल चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सेकंड थिंग, जो डॉबरमैन और रॉटवाइलर जो डॉग्स होते हैं इसको काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसमें मायोकार्डियल फॉर्म होके इमीडिएटली विद इन 1 hour 2 hour या फिर एट एनी टाइम ऑफ प्लेइंग डॉग यहाँ पर सडनली उल्टा होगी, इसमें उसकी डेथ हो जाएगी है। सो लास्ट 3 दिन से इसका इन्फेक्शन को सेट हुआ है, इसके दो दिन पहले भी इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी दूसरे हॉस्पिटल में हुआ है। सो जब भी गैस्ट्रो इन्फेक्शन होता है तो हमें सबसे पहली चीज जो होती है डॉग को सबसे पहले हमें ऑफिट करना पड़ता है, तो उसमें आपको डॉग को कुछ भी नहीं खिलाना है। सेकंड चीज, आप अपने नियरेस्ट वेट जो भी है उसके पास आप जाके डॉग को दिखाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कॉमेंट और शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी क्वेरी है तो इनबॉक्स में कॉमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखेंगे।